आज विषम परिस्थिति चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन, लोग जो है अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, सर जो है रास्ता जाना आना सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के आजू बाजू में जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा संकट या शारीरिक मौत, जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ बहुत सारे ढेर सारे लोग जो है आज लड़ रहे हैं। तो इस बीच में अपना धैर्य और संयम का प्रदर्शन करें, इस बीच में जो है अपना हिम्मत को बिल्कुल ना तोड़े और एक दूसरे का मदद के लिए आगे आए। एक दूसरे को दोषारोप करना, देश को दोषारोप करना, सरकार को दोषारोप करना, ये सब जो है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी या मूर्खता वाली बात है। अपने बनते अपने चलते काम को जो है बिगाड़ना, सबका कमर टूटा है, सबकी परिस्थिति खराब है, चाहे वो आपका फॉलो करने वाला हो, चाहे आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो हो, चाहे आपके अपलाइन हो, चाहे आपके लीडर हो, चाहे आपका डाउनलाइन हो, सबके साथ जो है आज विषम परिस्थिति है। किसी को दोष ना दे, किसी को जो है गलतियां ना निकाले और इस समय जो है एक दूसरे के ज़रूरत के समय पे एक दूसरे के साथ खड़ा हो। धैर्य और संयम इस समय जो है आपको बरतना है। इस समय धैर्य और संयम ही आपके लीडरशिप को दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी लीडरशिप है, आप एक विपरीत परिस्थिति में किस तरीके से जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में जो टूट जाते हैं वो सैनिक नहीं हो सकता। एक सैनिक की भांति अपना प्रदर्शन अभी आप करें और सबसे रिक्वेस्ट है कि इस समय जो है प्रोपेगेंडा ना करें, इस समय जो है एक दूसरे के मदद के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो और यही मानवता का परिचय है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ मिश्रा फ्रॉम सोल्जर एलेक्स वर्ल्ड और आप सबका स्वागत है सुबह सुबह के छोटा सा इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, बाहर परिस्थिति बहुत ख़राब है, लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं और इस समय नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक उभरता हुआ बिजनेस, इस समय जो है लोग आयुर्वेद के द्वारा अपना उपचार खुद कर पा रहे हैं। जो लोग जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं उन लोगों को जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो आज रोजगार के लिए बाहर जा चुके थे उन लोगों को जो है घर लौटना पड़ रहा है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है। तो आपका स्वागत करता हूं इस तरीके के बिजनेस में और साथ ही कुछ विचारों को लेकर बात करेंगे, जो लड़ रहे हैं जुझारू लीडर्स है उनको अपना और अपनी टीम को जो है बताना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग तो अपनी जगह ग्रो कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है, ये सिस्टम ग्रो कर रहा है, बट कुछ लीडर्स क्यों नहीं ग्रो करते, क्यों लोग हिम्मत हार जाते हैं थोड़ी सी लड़ाई लड़ने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो जो है काम करना नहीं चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे, वो प्लान नहीं सीखना चाहता है, वो ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता है, वो कुछ देर बोलने के लिए सीखना नहीं चाहता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को जानना नहीं चाहता है, वो प्रोडक्ट्स के जो है किस प्रोडक्ट को लेने के लिए क्या है वो सब नहीं जानना चाहते हैं, तो वो उस समय जो है अपने ग्रो नहीं कर पाता। एक तो ये कारण है और दूसरा कारण, यदि कोई ग्रो कर रहा होता है तो जैसी छोटी सी ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। पतझड़ था, पतझड़ के बाद जो है आज फिर जो है पेड़ पौधे दोबारा हरा भरा हो गया, आज गर्मी का मौसम चल रहा है, सूखा है और फिर जो है कल बारिश हो जाएगा, फिर जो है घास निकल आएंगे, खरपतवार निकल के आएंगे, नए पौधे निकल के आएंगे और साथ ही जो है आप अपना गार्डनिंग के लिए लग जाओगे। तो ये समय है, ये परिस्थिति सिखाता है कि हर मौसम परमानेंट नहीं होता,
हर परिस्थिति परमानेंट नहीं होता। तो आज जिंदगी में एक जगह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। आज जो जिस काम पे भी व्यस्त हैं, जिसका जो भी रोजगार था, जिसका जो भी रोटी कमाने का रोजगार, जो भी जिसका धंधा, आज स्कूल बंद है, सालों साल हो गया जो है स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फिर भी जो है वही पेमेंट, वही सब कुछ जो है दिया जा रहा है, वो सब कुछ खर्चा है जो है पेरेंट्स को गुजारना पड़ रहा है। आज रोजगार लोगों के छीने जा रहे हैं, आज 12 घंटा 14 घंटा लोगों को जो है काम कराया जा रहा है, फिर भी लोगों को जो है जॉब में जाना पड़ रहा है, जबकि तनख्वाह घट गया। जो बाहर ड्यूटी करते थे, बाहर जॉब करते थे, अच्छे अच्छे जॉब लोगों का छूट गया। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज जो है 8%, 10%, 15% लोगों को ही काम करा पा रहे हैं, उन लोगों का जो है जो उपज करने का क्षमता है वो घट गया। तो रोजगार, दुकानें सारी तरीके का बंद है। आज सिर्फ जो है राशन दुकान और सब्जी के दुकान और मेडिकल शॉप, इसको जो है खुलने की इजाज़त है, बाकी सारे दुकान जो है टाइम से और ना खुलने के तक का जो है ऑर्डर हो चुका है। ये सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में जो है आज ये परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में हिम्मत हारना नहीं है, इस परिस्थिति में अपने आप को जो है और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टाइम का इन्फॉर्मेशन है। ये समय आपको मजबूत होने के लिए, समय आपको जो है शिक्षा पाने के लिए, ये समझे आपको जो है तैयार होने के निर्देश दे रहा है। तो क्यों नहीं ग्रो करते हैं कुछ लीडर, जैसे ही थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ जाता है तो अपना हौसला खो जाता है। अगर यही सब जगह होने लग जाए तो ना क्रिकेट इंडिया कभी जीतेगा दूसरे टीम के साथ, क्योंकि दूसरा टीम ज्यादा रन बना लिया तो ये तो पहले ही हौसला तोड़ देगा। ना कभी फुटबॉल जीतेगा, ना कभी कोई जॉब करने वाले, ना कभी कोई ड्यूटी करने वाले, ना परिवार के कोई लोग जो है कहीं कोई जीत ही नहीं पाएगा, सबको हिम्मत आ जाएगा। और सैनिक, वो तो विषम परिस्थिति में भी जो है ना कभी देश को दोष देता है, ना कभी जो है सरकार को दोष देता है कि हमारे पास यह हथियार होने से ठीक रहना था, हमारे पास इतने सैनिक होने से अच्छा था, हमारे पास इस तरीके का ट्रेनिंग सिस्टम होने से अच्छा था, कभी तो दोष नहीं दिया। सुना है क्या आपने कभी? इसीलिए तो सैनिक कहे जाते हैं वो। तो अपने आप को सैनिक की तरीके से सोचने के लिए लगाइए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, देश के सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप हैं, तो उस तरीके के लीडर आपको और मेरे को बनने की ज़रूरत है। हमें उस तरीके के लीडर बनना है कि हमारा सोच मदद करने की भावना से हो, ना कि सिर्फ मदद पाने का। सिर्फ मदद पाने का भावना लीडरशिप नहीं होता है, लीडरशिप वो होता है कि जो मदद करने की भावना रखे। हमें अपने टीम को एजुकेशन देने के लिए खुद लगना है, हम खुद अपने शिक्षा के लिए, अपना किताब पढ़ने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, मैसेज को पास करने के लिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में छाने का समय है हमारे लिए। इसका इस्तेमाल हमें सीखना है खुद, फिर जो है टीम को सिखाना है। हमें प्रोडक्टों के विषय में सीखना है, हमें प्लान दिखाना सीखना है। इन सब के ऊपर जो है हम काम कर सकते हैं, वही काम जो है हम अपनी टीम के साथ करवाएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बोलना सिखाएंगे, खुद बोलना सीखेंगे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा किस तरीके से बोला जा सकता है, मीटिंगों में क्या बोलना है, छोटी मीटिंग में क्या बोलना है, जब किसी को प्लान दिखाने जाना है तो क्या बोलना है, ये सब जो है सीखने के ऊपर हम काम करें और यही चीज़ जो है अपने टीम को सिखाएं, उन लोगों को भी बोलना। ये वक्त सीखने और सिखाने पर जो है इस्तेमाल किया जाए। इस समय धैर्य रखने की ज़रूरत है, धैर्य और संयम का प्रदर्शन करना है, एक दूसरे का दोषारोप करना, छोटी सी झटका लगी नहीं कि जो है कंपनी चेंज कर जाना। आज देखते हैं हम, बहुत सारे लोग जो है हमारे कंपनी में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाहता है, बहुत सारे ढोंग ढांचे जो है लोगों को, छोटी सी एक हरकत होता है लोगों को डरा देता है। क्या ऐसे ही सारे लोग परिवार छोड़ देते हैं छोटी सी झटका लगने के बाद? फिर तो संसार बसेगा नहीं। छोटी सी परिवार में कोई विपत्ति, कोई आपत्ति आया क्या नहीं, और लोग जो है परिवार को छोड़ दे। हिम्मत रखने की जरूरत है। हर परिस्थिति जो है एक लीडर का हिम्मत की जो है परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा को जीतना ही हमारा कर्तव्य है। तो यदि इस परिस्थिति को आप झेल गए और अभी यदि बढ़िया से तैयारी आपने कर लिए, तो आने वाला समय आपको लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का बना सकता है। और तैयारी जीत की करिए। ये छोटे मोटे जो है लोगों का नुक्स निकालना, छोटी मोटी गलती निकालना, कभी अपलाइन की गलती निकालना, कभी डाउनलाइन की गलती निकालना, कभी कंपनी की गलती निकालना, कभी परिस्थिति की गलती निकालना, कभी सरकार का गलती निकालना,
कभी देश की गलती निकालना, कभी बीमारी की गलती निकालना, ये सब चलता रहेगा। बट ये सब जो है सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि इन गलतियों के खिलाफ हम कितना मजबूत है। तो हम एक दूसरे का सक्सेस का उम्मीद करते हैं, और सक्सेस की उम्मीद आपके धैर्य, भरोसा और निरंतरता के ऊपर निर्भर करेगा। तो यही समय है अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने का। आज यदि अपने तलवार को, अपने कुल्हाड़ी को आप धार लगाएंगे, आज यदि अपना ट्रेनिंग और प्रशिक्षण में जोर लगाएंगे, आज यदि अपनी बढ़िया से तैयारी करेंगे, 1000 लोगों का लिस्ट बनाएंगे और उन लोगों को कॉन्टैक्ट करना आज से शुरू कर देंगे, तो आने वाला वक्त आपका होगा। ओके, गो सक्सेस। सुपर एलेक्स, हम तैयार हैं आपके साथ मदद के लिए ऑलवेज। और जाते जाते एक बात और, हम आपस में मिलते रहते हैं एक दूसरे को समझने और समझाने का। आप दुख दर्द एक दूसरे का शेयर करने के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। तो ये YouTube चैनल सोल्जर एलेक्स वर्ल्ड आपका स्वागत करता है, और हम चाहते हैं कि जो है आप सब्सक्राइब करें और अपने पूरे एलेक्सियंस को तथा MLM इंडस्ट्री के साथियों को, हो चाहे ना हो, वो बाहर से भी कोई हो सकता है, तो उन सब को भी जो है आप इसमें जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ये चैनल को। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी हम जो है एक साथ लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे भी हिम्मत देता है। तो हम आइए एक दूसरे को हिम्मत दें और एक दूसरे की मदद करते हुए सारे परिवार बनके, सब लोग जो है एक परिवार बनके एक दूसरे के साथ इस विषम परिस्थिति में भी खड़े हैं और हमेशा रहेंगे, ये वादा करते हैं। और टूटेंगे नहीं, हम जोड़ने पर भरोसा रखते हैं। तो टूटना नहीं है, जोड़ना है। बदनाम नहीं करना है, सुधार करना है। किसी का टांगे नहीं खींचना है, मदद करना है। ओके, गो सक्सेस। सुपर एलेक्स।